बैक टू माई चैनल अर्पिता कीर्ति। आप सब कैसे हैं बताइए। मैं ठीक हूँ। बहुत ज्यादा ठंडा है गाइस, और अभी मैं जा रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। आईब्रोज, बहुत दिन से मैंने आईब्रोज नहीं किया। जो आईब्रोज का ये आता है ना, रेजर आता है, उसी से मैं घर पे कर लेती हूँ। तो शेप थोड़ा खराब हो गया है। फिर से शेप में लाने के लिए मैं थोड़ा सा आईब्रोज करने के लिए अभी पार्लर जा रही हूँ। तो आप लोग पूरा दिन मेरे साथ जुड़े रहिए, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ आप लोग देखते रहिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जो लोग न्यू देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि गिव अवे बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो अभी मैं जा रही हूँ, आके आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं देखिए पार्लर गई थी, और ये मुझे बहुत दिन से लेने का मन था, मतलब बिग बॉस में दिखा था ये स्पॉन्सर्ड है, तो ये सब मैं लेके आई हूँ। और नटीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को कब से बोल रही हूँ नटीज लेके आना आना, नहीं लाते। और ये किसेस के अंदर हार्सलीज का जो किसेस है, उसके अंदर ऐसा छोटा छोटा चॉकलेट है, खाने में बहुत यमी है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। हम लोग देखिए क्या किए, पहले एक पैकेट खोले, सारा ख़त्म। नटीज मैं खा रही हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म, अब एक ही मतलब पैकेट बचा हुआ है, क्योंकि घर में सब लोग सिर्फ चॉकलेट के ऊपर पड़े रहते हैं, मैं छोड़ के, पर ये मुझे खाना था इसीलिए मैं लेके आई हूँ। अब चॉकलेट को लेके फिर से फाइट होगा उसके पापा के साथ, उसके पापा तीन खा के चले गए, और अभी बाकी का हम लोग खाएंगे, उसके पापा भी खाएगा, मतलब हम लोगों को नहीं देगा ये। पार्लर से आते आते बहुत लेट हो गया था, तो मैंने बनाए हैं आलू गोभी का सब्जी, और इधर मैंने बनाया है कस्टर्ड, क्योंकि मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही बहुत पसंद है, और अभी बनाऊंगी रोटी। तो गाइज अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड खाना खा के चले गए लंच करके, और मैं वेट कर रही हूँ बेटा का। बेटा आएगा तो आज बेटे के साथ ही खाऊंगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा है। और मैं जो पार्लर गई थी वहां पे मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फोन को चार्जिंग पे लगा के गई थी, और मैं अपने हेयर को कितना छोटा कर दी वो देखिए, ये देखिए क्योंकि क्या है ना, एक तो है आपका हर 3 महीने में सबको, मतलब हर किसी को हेयर ट्रिम करना चाहिए, तो आपका हेयर का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। और विंटर में जिस मतलब हार पे मतलब ये होता है, हेयर फॉल होता है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। तो मैंने अपना स्ट्रेट किया हुआ हेयर को छोटा कर दिया, जबकि लोग स्ट्रेट किया हुआ हेयर को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं, मैंने इतना काट दिया। और बहुत दिन बाद गाइज आईब्रो करके आई हूँ। ऑलमोस्ट आपका कब की थी मैं, पूजा के टाइम पे की थी आईब्रोज आपका, जब मैं हेयर स्मूथनिंग के लिए गई थी तब आईब्रोज की थी। और अभी इतने दिन बाद मैं ना ये जो ये रेजर आता है ना, फेस रेजर, उसी से कर लेती हूँ। छोटे छोटे जो ट्रिम ऐसे करने का आता है, दिखाऊंगी मैं, तो उसी से मैं कर लेती हूँ। तो उतना समझ में नहीं आता है, मतलब वीडियोस में आप लोग समझ नहीं पाएंगे उतना। तो आज इतने दिन बाद मतलब आईब्रोज की हूँ आपका, अपर लिप्स, ये फोरहेड, और आपका हेयर, हेयर में तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये देखिए छोटा सा हो गया है कितना छोटू सा हो गया है। तो गाइज अभी वेट करना है बेटे के लिए, बेटा आएगा, नहाएगा, फिर हम लोग करेंगे लंच, वही सेम मतलब 4 बजे। मेरा ये वाला फोन में प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर दिया है, और इधर आईफोन जो है इसका स्टोरेज फुल है, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। और गाइज गिव अवे वाला जो व्लॉग है वो आप लोग काइंडली देख लेना, और आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए, और मेरा हर वीडियो वॉच कीजिए, मतलब मुझे व्यूज चाहिए। तो व्यूज जब मिलेगा, आप लोग जब एक्टिव रहेंगे, कमेंट करेंगे मेरे व्लॉग में, तो आप लोगों को तो दिख गया, आप मतलब देख लीजिए आप लोगों को तो डेफिनेटली गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि जब 1K मेरा कंप्लीट हुआ था तब भी मैं गिफ्ट सेंड की थी, और ऐसा फेक नहीं है, हर किसी को सेंड की थी, मतलब जो जो विनर था सबको सेंड की थी। और ये वाला व्लॉग आप लोग देख लेना, फर्स्ट जो होंगे उनको क्या मिलेगा, सेकेंड जो होंगे क्या मिलेगा, सब वहां पर मैं बोल चुकी हूँ। तो आप लोग काइंडली पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ये सपोर्ट कीजिए मुझे, तो ऐसे ही सुंदर सुंदर गिफ्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। मुझे अगर आप लोगों से प्यार मिलेगा तो मैं भी आप लोगों से, मैं तो आप लोगों से ऐसे ही प्यार करती हूँ, और आप लोगों का प्यार अभी इस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यूज डाउन हो चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जो हर रोज का वीडियोज डालती हूँ आप लोग वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू सब्सक्राइबर को इन्वाइट कीजिए, जो लोग व्लॉग देखेंगे उन लोगों को, और पुराना वाला वीडियो भी देखिए, देखना कि व्यूज कितना डाउन हो चुका है, पहले कितना था अभी कितना है, पता नहीं कौन सा इश्यू है। तो यही बोल रही हूँ गाइस, सपोर्ट मी। तो अभी यही तक मतलब रख रही हूँ, बाद में फिर से बात करती हूँ,
क्योंकि बेटा आ जाएगा अभी, तो बाद में बात करती हूँ, ठीक है? वीडियोस देखिए प्लीज। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 4 बज जाएगा लंच करते करते, तो अभी मेरा बेटा मतलब नहा कर निकला है, फोन घट रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ, टाइम रुकिए। ये देखिए चल रहा है उसका ऑलवेज, मतलब फोन 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 और टाइम दिखाती हूँ, रुकिए टाइम देखिए 3:52 और अभी लंच लेके आई हूँ। तो मेरा है एक पराठा, मेरा नहीं बेटा का पराठा, मेरा रोटी, गोभी की सब्जी, मूली लाई हूँ और ये बेटे के लिए कस्टर्ड, उसको और उसके पापा को कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं खाती हूँ, एक स्पून भी नहीं खाती हूँ। तो चलिए लंच करते हैं क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करना है, कल रात को नींद ही नहीं आ रही थी, रो रही थी मैं बैठ के कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अभी खाना खाते हैं, सोना है क्योंकि आज मुझे। तो ये देखिए मैं अभी भी सो रही हूँ, नींद आई थी तो थोड़ा सा ठीक बेटर फील हो रहा है, पूरा दिन ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि रात को नहीं सोई थी, और अभी हस्बैंड ऑफिस से भी आ गए हैं तो कॉफ़ी देना होगा, उठना होगा। और ये देखिए आँख से पानी टपक रहा है, तो चलिए अभी उठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो गाइस आप लोगों ने देखा था कि मैंने बहुत सारा नेल्स परचेस किया है और बहुत सारा मेरा कस्टमाइज नेल्स ऑलरेडी मेरे घर में रहता है जो कि काफ़ी कॉस्टली है, और इस बार का जो मैंने परचेस किया है ये इतना कॉस्टली नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट वीक को, लास्ट वीक या 10 डेज पहले ऐसा होगा, लास्ट वीक ही होगा, तो मैंने कुछ नेल्स परचेस किया था, तो मैंने सोचा बहुत दिन से मतलब नेल्स मैंने लगाया नहीं है, ये विंटर में मतलब जैकेट पहनो स्वेटर पहनो खुलते खुलते निकल जाता है तो, और पेन भी होता है क्योंकि ग्लू जो इसका होता है ना काफी स्ट्रांग होता है तो लगता भी है, और आज मैं नया वाला एक ग्लू यूज करूंगी, पता नहीं ये कितना दिन स्टे करेगा। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि लास्ट वीक को मैंने कितना नेल्स परचेस की थी, ये वाला एक ली थी, ये आपका नियोन ग्रीन एंड आपका क्या बोलते इसको फुशिया का कॉम्बिनेशन था, और दो स्टोन था यहाँ पे, और ये एक था पूरा ही नियोन ग्रीन, मुझे नियोन बहुत अच्छा लगता है, ये एक था रेड पूरा ब्राइडल में है, मुझे एक्चुअली यही लगाने का मन था बट अभी कोई ऑकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो मैंने सोचा ये वाला को अभी बचा के रखते हैं, बाद में लगाऊंगी कहीं जाऊंगी तो लगाऊंगी। ये वाला एक ये है, इसका क्वालिटी बहुत ही बेकार है, ये एक है और आप देख सकते हैं नेल्स का जो साइज है मेरे नेल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये एक है, ये वाला एक है नियॉन ग्रीन एंड आपका स्किन कलर के ऊपर ये वाला है, और ये मुझे गिफ्ट में उन्होंने मतलब थोड़ा अनबन हो गया था, उन्होंने एक गलत मतलब प्लास्टिक वाला नेल गिफ्ट कर दिया था, तो उसके बदले मैं मतलब उनको बोली थी कि देना नहीं है तो कुछ मत दीजिए, ऐसा फेक मतलब प्रॉमिस मत कीजिए कस्टमाइज बोल के ऐसा प्लास्टिक वाला नेल सेंड कर दिए थे, तो उन्होंने बाद में मुझे ये वाला नेल सेंड किए हैं, तो ये भी काफी बड़ा है, सारा साइज बड़ा है, तो मैंने अभी चूज किया है ये वाला नेल्स कॉम्बिनेशन करके मैं लगाऊंगी, तो इसका आप लोग देख सकते हैं कुछ नेल्स निकल मतलब निकाल चुकी हूं मैं, तो मैंने क्या किया है वो सब नेल्स को अपने फिंगर के हिसाब से मैंने ये कर लिया है, साइज मैंने कर लिया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूं। तो ये वाला जो होगा, अब मैंने पहले आप लोगों को ये दिखा दूं कि मैंने अपना पूरा नेल्स को एकदम क्लियर कर लिया है और नेल पॉलिश पूरा रिमूव करना होगा, और बाद में जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो एकदम नेल्स पूरा देखिए एकदम छोटा छोटा हो गया, हाथ अभी कैसा लग रहा है हाथ आप लोग देख लीजिए और बाद में देखना कैसा लग रहा है। तो ये वाला कलर जो है मैं ये वाला नेल्स में लगाऊंगी, मतलब ये नियॉन कलर है देख लीजिए, ये लगाऊंगी इसमें, और मिडिल में तीन मिडिल का तीन फिंगर में ऐसा स्किन कलर लगाऊंगी, और लिटिल फिंगर में ये वाला कलर लगाऊंगी। तो मैं आप लोगों को कैमरा को टिंट करके पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कैसे क्या करूंगी, आप लोग देख लीजिए, और मतलब बिफोर आफ्टर पिक्चर आप लोग देखना, अभी ये बिफोर वाला पिक्चर देख लीजिए और आफ्टर वाला देखना कितना ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज। तो मैं कैमरा को टिंट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैं अभी प्रोसेस आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करूंगी, तो ये मेरा नेल्स है अभी देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो मैं सारा नेल्स को जो है ना, ये सारा नेल्स बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है, तो मैं अपने हिसाब से ये देखिए फाइल करके अपने नेल्स के हिसाब से कर ली हूँ साइज मेरा, और ये छोटा छोटा फाइलर इसमें दिया है नेल्स बफिंग करने के लिए, बट मेरे पास ये बड़ा वाला है तो मैं इसी से करती हूँ। तो मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखाती हूँ, अब पहले इसको थोड़ा सा ये करना होगा बेटू, ऐसे करके मतलब
ये जो स्मूथ रहता है ना नेल्स, इसको थोड़ा सा अनइवन करना होगा। तो ये अनइवन हो गया, थोड़ा सा सबको करना है। तो सारा नेल्स को मैं कर रही हूं ताकि ये जो ग्लू है और नेल है अच्छे से मतलब चिपक जाए। तो मैं सारे नेल्स को पेटू की कोट चीज रहे, तो सारे नेल्स को मैं ऐसे बफ कर करके थोड़ा सा करना ही होगा। बहुत दिन बाद नेल्स लगाऊंगी, मतलब पूरा विंटर नहीं लगाई हूँ। वो पहनना खोलने के चक्कर में ड्रेस पहनना, स्वेटर पहनना, तो आप लोग अभी देख सकते हैं पूरा सारा नेल्स मैं बफर मतलब बफिंग कर चुकी हूँ। अब इसको थोड़ा सा क्लीन करना होगा, जो डस्ट है उसको निकाल देना होगा। तो मैंने डस्ट भी निकाल दिया इसका। अब जो ये क्यूटिकल पूचर है, इससे आपका थोड़ा सा क्यूटिकल को पूछ करना होगा ऐसे करके। तो जो लोग नेल एक्सटेंशन मतलब नहीं करने जाते हैं, या फिर नेल तो नेल का हालत बहुत खराब हो जाता है नेल एक्सटेंशन करने से, क्योंकि वो बार बार ये घिस घिस के एकदम ये कर देते हैं नेल्स को, तो पतला हो जाता है नेल्स, किसी किसी का ब्लीडिंग भी होता है। तो जो लोग नहीं करते वो लोग ऐसा कस्टमाइज नेल्स यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, एकदम एकदम पूरा नेल एक्सटेंशन जैसा ही लगता है। तो सब नेल्स को ऐसा क्यूटिकल पुशर से आपको पुश कर देना होगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, मैं आज न्यू ग्लू एक यूज करूंगी, और ये ग्लू है ये वाला, कैसा है मुझे नहीं मालूम, मैं एक अलग ग्लू यूज करती हूँ। आज फर्स्ट टाइम ये वाला यूज करूंगी, देखती हूँ कैसा है। और ये ब्रश ऑन ब्रश जैसा है, मतलब ब्रश ऑन ग्लू है ये। ये देखिए ब्रश ऑन ग्लू, इसमें लिखा भी हुआ है ब्रश ऑन ग्लू। तो ये आपको पहले आपके नेल्स में लगाना है ऐसे करके। एक लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर बाद में सब लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो ये आपका नेल्स में पहले अपना नेल्स में लगाना है, फिर आपका ये वाला नेल्स में भी लगाना है आपको। ये वाला नेल्स में अब आपको ऐसे थोड़ा सा एंगल करके इसको बस यहाँ पे प्रेस करके बिठा देना है। वो थोड़ी देर प्रेस करके रखना है इसको। तो एक मेरा डन हो गया है, ये देखिए, बाकी का मैं लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरा सारा नेल्स में हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने थंब में नियॉन ग्रीन एंड आपका लिटिल फिंगर में नियॉन ग्रीन, और बाकी सब जो है स्किन कलर के ऊपर आपका लेपर्ड प्रिंट नहीं है, एनिमल प्रिंट है, और इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश ये है। तो इसका जो लुक है, हाथ का जो लुक है, आप लोग देख सकते हैं टोटली चेंज हो गया है, मतलब बिफोर आफ्टर जो है टोटली अलग है। तो गाइज आप लोग देखिए, मतलब डिफरेंस देखिए, ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज। मुझे तो ये आपका स्किन कलर बहुत अच्छा लगता है, मतलब न्यूड बहुत अच्छा लगता है, और ये नियॉन का कलर एक्चुअली कैप्चर नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, ये देखिए कैप्चर नहीं कर रहा है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है। हाथ जो है आपका, मतलब आप अगर प्रॉपर वे में आपको लगाना आता है, मतलब दो तीन बार यूज करने के बाद आपको प्रॉपर वे समझ में आ जाएगा। और जबकि ये कस्टमाइज्ड है तो आपके नेल के हिसाब से ही साइज बनाया जाता है, फिर भी थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, तो आपको थोड़ा सा बफ करना होगा। और ये आपका जो ग्लू है, ये जो ग्लू है, और एक ग्लू है मेरे पास सेम है,
ये ना थोड़ा सा कैसा है बताइए, वो आपका फेविक्विक टाइप का है, मतलब हार्ड ग्लू है, तो आपका इंस्टेंट ये चिपक जाएगा और ये 1 वीक तो ऐसे ही चलेगा अच्छे। कोई अगर पानी वगैरह में ज्यादा काम नहीं करते तो उनका और ज्यादा चलता है, मेरा भी 10-12-15 दिन चल जाता है, एक एक निकल जाता है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसको फिर से बफ करके, नेल को थोड़ा सा क्लीन करके फिर से लगा लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जाके मतलब 3-4 घंटा बैठ के आपको नेल एक्सटेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, नेल में कोई आपका नेल बेड जो है उसमें भी आपका कोई मतलब इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बार बार नेल एक्सटेंशन करने से नेल का जो बेड है ना वो पतला हो जाता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसका भी झंझट नहीं है और एकदम एज इट इज आपका नेल एक्सटेंशन लगेगा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है और बहुत दिन से सोच रही थी लगाऊंगी लगाऊंगी लगाऊंगी, फिर सोच रही हूँ इतना सारा नेल है कब लगाऊंगी, तो मैंने सोचा आज बैठी हूँ तभी लगाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं कुछ कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत। ये कलर में कैप्चर कर रहे हैं, हाँ देखिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, मुझे तो बहुत मतलब बहुत यूनिक लगता है ये, देखिए। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, आप लोग भी ऐसा कस्टमाइज नेल परचेस कर सकते हैं। और जो कस्टमाइज नेल्स मैं यूज करती हूँ ना, ये वाला जो यूज करती हूँ ये काफी कॉस्टली है, 850, 900, 1000 रुपीज, 750 ऐसा प्राइस में आता है ये वाला, और उसके मतलब कंपैरिजन में ये वाला जो आया है बहुत कम है, 270, 260, किसी किसी का 290 ऐसा प्राइस में है ये। बट इनका जो काम है ना, इनको प्रॉपर मतलब आता नहीं है, अभी स्टार्टिंग की है तो इनको उतना अच्छे से आता नहीं है, मतलब फिनिशिंग उतना नहीं है, बट चलो ऐसे घर में रहने आर के ही जाने के लिए ठीक है, वेडिंग वेडिंग के लिए वो अच्छा वाला ठीक है। बट एक ही नेल जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाया है वो ये वाला है, और मैं इसको बचा के रखी हूँ कि कहीं जाऊंगी कुछ करूंगी तो ये वाला यूज करूंगी, इसीलिए इसको बचा के रखी हूँ मैं। तो ये दोनों अच्छा बनाया है, ये दोनों, इसमें फिनिशिंग है थोड़ा सा, बट आपको अगर मतलब थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए तो बफ बफ करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। और वो वाला जो नेल अभी मैं दिखाई वो एकदम प्रॉपर आपका साइज में आता है, मतलब हाथ का आपको एक पिक्चर देना पड़ता है, मैं जिनसे लेती हूँ तो, क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है तो मैं नाम वाम कुछ नहीं बता सकती, बट बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइज मुझे बहुत सारा प्यार देना, मुझे सपोर्ट देना, ताकि जल्दी जल्दी मेरा 3K कंप्लीट हो जाए। और क्या बोलो, और कुछ नहीं है, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग भी नहीं बोल पा रही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा।